हाँ तो दोस्तों, मैक्रोटेक डेवलपर्स के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको मैक्रोटेक डेवलपर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले क्वार्टरली बेसिस के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो 32% का ग्रोथ हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिला है, और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है ये 2,123 करोड़, ये इस क्वार्टर का रेवेन्यू है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 39% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है और 223 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर्स हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस में 30% से ऊपर की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो जो यहाँ पे रीओपनिंग डिमांड हमें देखने को मिली थी वही हमें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 135% ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे 100% से भी ज्यादा, यानी कि डबल से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हुआ है। अभी 223 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल की सेम क्वार्टर में कंपनी को 362 करोड़ का लॉस हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लॉस से प्रॉफिट में भी कंपनी आई है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का आया है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो हमें यहाँ पे जो हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं, तो पिछले साल जो कोविड की वजह से जो कंपनी का रेवेन्यू जितना कम हो गया था वही रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे फिर से आते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो 40% के ग्रोथ वाले नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो ये हर क्वार्टर में कंपनी दिखाएगी। ये जो रीओपनिंग के नंबर्स है, रीओपनिंग में जो पेंटअप डिमांड हमें क्रिएट होती हुई नजर आई है, तो ये उसकी वजह से ये नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर क्वार्टर में ये नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे जनों को देखा है वो हर क्वार्टर में एक ही नंबर एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जितने नंबर ज्यादा होते हैं उतनी एक्सपेक्टेशंस आपकी आने वाले क्वार्टर में कम होनी चाहिए। अब देखिए, 140 के पीई पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लेकिन देखिए पिछले चार क्वार्टर्स के बेसिस पे ये पीई है, बाकी अभी जो रिजल्ट आए इसके 80-90 के लगभग यहाँ पे कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो निकल कर आता है। देखिए 47,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा मार्केट कैप यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी इसे दे दिया है। अब देखिए 2021 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज काफ़ी कम हो गए थे, तो अभी ये जो रेवेन्यू के नंबर से ये इस नंबर तक आने बाकी, यानी कि जो इस साल की जो ग्रोथ होने वाली थी वो हमें इस साल में पूरी होती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ग्रोथ फिर हर साल कंटिन्यू होती रहेगी, लेकिन जो पिछले साल ये इतना रेवेन्यू कम रह गया था तो इसीलिए ये नंबर्स हमें इतने अच्छे नजर आ रहे हैं। बाकी अगर आप पहले देखोगे तो पहले इतनी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन 1920 में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर्स गिर गए थे, ये बात आपको समझनी होगी। अब देखिए 1027 के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग 1225 का इसका हाई इसने बनाया था, यानी कि अराउंड 20% का करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी इसके हाई से हो चुका है। मैं 2% भाई अगर प्रीसेज अगर हम देखें तो 15-16% है, तो मैं अराउंड 20% मान के चल रहा हूँ। तो देखिए, मैं अगर एक पूरी रियल स्टेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी ये सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले 6 महीने यानी कि मार्च एंडिंग तक ये डिमांड रह सकती है, यानी कि जो डिमांड रियल स्टेट में जो प्रॉपर्टी वगैरह फ्लैट वगैरह की डिमांड है तो ये रहेगी। लेकिन मुझे लगता है मार्च के बाद ये डिमांड नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि जो एक्सेसिव डिमांड हमें देखने को मिल रही है वो मेरे ख्याल से मार्च के बाद हमें देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, उसके बाद इतनी डिमांड क्यों रहेगी, क्योंकि ये जो आप एक खुद क्वेश्चन कीजिए उतनी डिमांड क्यों रहेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से अगर एक ये जो मैक्रोटेक या भी सारी रियल स्टेट कंपनीज है, मैं इनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही लूंगा, यानी कि 6 से 7 महीने का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर आपका है, मतलब एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ही हमें यहाँ पे रियल स्टेट में मेरे ख्याल से पैसा डालना चाहिए। अगर आप एक 4-5 साल के टाइम होराइजन के बीच पे पैसा डालना चाहते हैं, मेरे ख्याल से रियल स्टेट स्टॉक को आपको मतलब दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैसा होता है कि जैसे एक एक्सेसिव डिमांड क्रिएट होती है तो ये जो कंपनीज होती है ये हैवी डेट वगैरह लेती है, तो वहाँ पर एक अच्छा खासा जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेकिन फिर वापस से वो डिमांड आके कम हो जाती है। तो ये पूरी साइकिल यहाँ पे एक साइक्लिकल स्टॉक हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा रियल स्टेट स्टील वगैरह यहाँ पे पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम ही चलता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि मैक्रोटेक डेवलपर्स के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।